देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है, इन घमंडियों पर। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा। सुनिए, आपका नेता बोलेगा कि नहीं नहीं कहां कहां किस किस रामपुर में, तो रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने, आजम खान के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया अब एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग भदौरिया रुक जाइए, मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी। ज्ञान तो आपको सवाल ही नहीं पूछ पा रही है, मैंने पूछ लिया, जो जवाब आप जवाब जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। खुद बेटी अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू, हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक, नहीं नहीं दिखाऊंगी सर, ये बिल बिला मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिल बिला रहे हैं, इनका बिल बिलाना जायज है, क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की, कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, टिकट लौटा दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है, अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। नहीं, अजय आलोक, अखिलेश की लीडरशिप को मल्टीपल चैलेंजेस मिल रहे हैं कि वो अपने इस दुखती रग को छुपाने के लिए आज दूसरे मसले पर बात कर रहे हैं। वो तो कोशिश करेंगे ना कि जो फजीहत हुई है उस फजीहत पर डिस्कशन ना हो। अंडरस्टैंडेबल है ये मामला, है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है रूबिका, बिल्कुल 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 स्वाभाविक है कि इस बात पे वो नहीं बात करना चाहेंगे। लेकिन नहीं बात करने से क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह के राजनीति नहीं की जाती है कि ऑस्ट्रिच की तरह बालू में मुंडी घुसा लिया कि तूफान आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ। अरे ये सुनामी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं, ये साफ हो जाएंगे यूपी बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कहीं नहीं रहने वाले। और इनके इनकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, हम तो चाहते हैं कि कंफ्यूजन और बढ़े। सवाल हमारा 370 को लेकर भी था। अनुराग भदौरिया रुक जाइए ना, अब मेरे तीन और मेहमान हैं, रुक जाइए, मुस्कुरा रहे हैं। अभी बहू बेटी का दर्द आपके कहाँ चला गया? अब मुस्कुरा रहे हैं, रनिंग कमेंट्री चल रही थी। हाँ, क्यों नहीं करूंगी? जब तक बीजेपी बोलता है तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। क्यों भाई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे? और मैं करूंगी रनिंग, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मैं आपको छोड़ूंगी, आप मुझे छोड़ूंगी, आपको छोड़ूंगी, इसलिए मैंने आपके सामने कांग्रेस सुबोध जी अपनी सीटों पर अड़ी हुई है, आरजेडी ये चाह रही है कि वो सीटें जो चाह रही है उस पर आरजेडी के प्रत्याशी जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो लड़े। ये स्थिति अभी भी आज की तारीख में बनी हुई है। मेरा सीधा सवाल है, अगर आपस में आप लड़ेंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? सुबोध जी, रूपिका जी, देखिए बहुत अच्छे से तालमेल हमारा कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लेट हो रही है, कल तक ये सारा फाइनल हो जाएगा। जहां तक बात रही, आप कह रही हैं कि आगे का कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है, तो देखिए ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम लोग डिबेट डाइसेंट के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं और कल तक संभवतः 24 घंटे के अंदर हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग आपके सामने होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा सेट होना चाहिए था इलेक्शन 2024 का, आम जनरल इलेक्शन का, वो एजेंडा ही नहीं है। पूरे भारत में ही ले लीजिए, लगता ही नहीं है कि जो वोटर है वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। डीमोटिवेशन इसलिए है क्योंकि जो पढ़ाई का एजेंडा हो, दवाई का एजेंडा हो, फार्मिंग का एजेंडा हो, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा हो, इस एजेंडे पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे पे नहीं हो रहा है। एजेंडा इनका सिर्फ एक है कि स्वर्ग और नरक की, जैसे अभी आलोक भाई बात कर रहे थे, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है, इसी तरीके का एजेंडा सेट करके ये इलेक्शन आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एजेंडा डेवलपमेंटल मॉडल का एजेंडा है, जिस
तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर बिहार में आगे बढ़े हैं। बिहार की महान जनता ने हमें समर्थन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर संविधान के निर्माताओं के मूल्य को जो छिन्न भिन्न किया है इन लोगों ने, चाहे वो कल्याणकारी राज्य की योजना हो, चाहे आरक्षण की नीति हो, भाईचारा हो, उस एजेंडे पर आपको लग रहा है कि वोटर वोट करने वाला है। सतीश जी भी हमारे